functional group. ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को फंक्शनल ग्रुप के आधार पर भी क्लासिफाई किया गया है। जैसे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को क्लासिफाई हाइड्रोकार्बन्स में किया गया, अल्कोहल्स में, इथर्स में, कार्बोक्सिलिक एसिड्स, एल्डिहाइड्स, कीटोन्स, फिनॉल्स, अमाइन्स, हैलाइड्स, ये तमाम फंक्शनल ग्रुप के आधार पर ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को डिवाइड किया गया, क्लासिफाई किया गया है। तो सबसे पहला जो हमारा सवाल आता है कि आखिरकार फंक्शनल ग्रुप क्या होता है, किसे हम कहेंगे फंक्शनल ग्रुप। तो देखिए, फंक्शनल ग्रुप जो होता है बेसिकली एक एटम होता है या एक ग्रुप ऑफ एटम्स हुआ करता है। फंक्शनल ग्रुप हमारा क्या हुआ करेगा, एक एटम होगा या तो एक ग्रुप ऑफ एटम्स होगा। और ये जो एटम्स हैं या ग्रुप ऑफ एटम्स हैं, ये डिसाइड करते हैं, ये रिस्पॉन्सिबल होते हैं कि कंपाउंड का प्रॉपर्टीज कैसा होगा, कंपाउंड का प्रॉपर्टीज कैसा होगा, ये डिसाइड करते हैं। तो फंक्शनल ग्रुप को एक एटम के रूप में नजर आ सकता है, आपको सिंगल एटम आपको नजर आ सकता है या ग्रुप ऑफ एटम्स नजर आ सकता है। और ये कंपाउंड के प्रॉपर्टीज को डिसाइड करता है कि वो उस कंपाउंड की प्रॉपर्टी क्या है, उसको वो डिसाइड करने में मदद करता है। अब इसमें कुछ एग्जांपल्स अगर मैं आपको दूं, जैसे एग्जांपल्स के तौर पे अगर हम लोग बात करें कि एक हम अगर एग्जांपल ले लें जिनमें से हम बात कर सकते हैं COH को, COOH ये एक फंक्शनल ग्रुप है और ये कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप में आता है। तो अगर मैं इस तरह से कंपाउंड लेता हूं, मान लीजिए कि H COOH जो कि एक मेथनोइक एसिड है, और दूसरा लेता हूं CH3COOH जो कि इथेनोइक एसिड्स है। अब देखिए, इन दोनों कंपाउंड्स में क्या है, COOH है, COOH है, यानी कि ये वाला पार्ट है। तो जब दोनों हिस्से में एक ही तरह का क्या है, फंक्शनल ग्रुप है, और ये जो फंक्शनल ग्रुप है एक्चुअली आप यहाँ पे देखेंगे कि ग्रुप ऑफ एटम से बना है, मतलब कि इसमें कार्बन है, दो ठो ऑक्सीजन है, हाइड्रोजन है। तो जब इसमें क्या हो रहा है कि कई तरह के एटम्स हैं यहाँ पे, एक्चुअली आप देखेंगे तो आपको तीन तरह के एटम्स जो हैं वो मिलकर फंक्शनल ग्रुप का निर्माण किया हुआ है। तो फंक्शनल ग्रुप कोई एक एटम हो सकता है या ग्रुप ऑफ एटम्स हो सकता है। तो ये जो फंक्शनल ग्रुप है ये आपका ग्रुप ऑफ एटम से बना हुआ है, कार्बन, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन से। और ये क्या करेगा, कंपाउंड की प्रॉपर्टीज को डिसाइड करेगा। जैसे कि ये एक कंपाउंड हुआ, एक ये कंपाउंड हुआ, अब इन दोनों की प्रॉपर्टी क्या है, इन दोनों की प्रॉपर्टी ये है कि ये भी कार्बोक्सिलिक एसिड से बिलोंग कर रहा है और ये भी कार्बोक्सिलिक एसिड से बिलोंग कर रहा है। तो इसकी जो प्रॉपर्टी होगी और इसकी जो प्रॉपर्टी होगी वो सेम होगी, मतलब कि अगर ये वाला एसिडिक है तो ये भी क्या होगा, आपका एसिडिक हुआ करेगा। तो फंक्शनल ग्रुप क्या करता है, प्रॉपर्टी डिसाइड करता है कंपाउंड का कि उस कंपाउंड की प्रॉपर्टी क्या है, वो एसिडिक है कि क्या है। तो इस वाले एग्जाम्पल में हम देख रहे हैं कि ये क्या डिसाइड कर रहा है कि ये दोनों कंपाउंड एसिडिक ग्रुप से बिलोंग कर रहे हैं, इनकी प्रॉपर्टीज क्या है, वो सेम है। उसी तरह से कुछ और एग्जाम्पल्स अगर हम लोग ले ले, जैसे ये होता है OH। अब देखिए, ये भी एक फंक्शनल ग्रुप है और इसमें कितना एटम्स मिलकर फंक्शनल ग्रुप को बनाया है, तो एक ऑक्सीजन का एटम है और दूसरा हाइड्रोजन का एटम्स है। तो ये दोनों एटम्स मिलकर, जिसको हम कहेंगे ग्रुप ऑफ एटम्स, तो ये ग्रुप ऑफ एटम्स मिलकर क्या बनाया है, फंक्शनल ग्रुप बनाया है। और ये क्या करेगा, कंपाउंड के प्रॉपर्टीज को डिसाइड करेगा। जैसे अगर मैं एग्जांपल के तौर पे अगर देखूं, जैसे CH3OH, आप इसे मिथनॉल बोलेंगे, और एक होता है C2H5OH। अब देखिए, ये कंपाउंड की प्रॉपर्टी क्या है, तो देखिए यहां पर भी OH है और यहां पर भी OH है,
तो दोनों की प्रॉपर्टी क्या है, सेम है, मतलब ये भी अल्कोहल से बिलोंग कर रहा है और ये भी क्या कर रहा है, अल्कोहल से बिलोंग कर रहा है। तो फंक्शनल ग्रुप होने से बड़ा आसानी हो जाता है कि हम किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की प्रॉपर्टी को डिसाइड कर पाते हैं कि उसकी प्रॉपर्टी क्या है। अब जैसे कि देखिए, ये वाला और ये वाला, क्या दोनों का प्रॉपर्टी सेम है? नहीं है, क्योंकि इसमें फंक्शनल ग्रुप COOH है और इसमें फंक्शनल ग्रुप OH है। तो COOH होने से ये एसिडिक कंपाउंड हो गए और ये वाला क्या है, अल्कोहलिक कंपाउंड हो गए। तो फंक्शनल ग्रुप होने से हमें कंपाउंड की प्रॉपर्टीज, उसके कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में पता चल जाता है कि वो किस ग्रुप का है, किस टाइप के प्रॉपर्टी वाला कंपाउंड है वो, ये हम लोगों को यहाँ पर पता चल जाया करता है। उसी तरह से और भी फंक्शनल ग्रुप की अगर मैं बात करूं तो आप देख सकते हैं CHO जो कि एल्डिहाइड ग्रुप का बिलोंग करता है ये। तो इसमें भी देखिए कितने एटम्स हैं, कार्बन है, हाइड्रोजन है, ऑक्सीजन है, तो यहाँ पर तीन एटम्स मिलकर फंक्शनल ग्रुप का निर्माण कर रहे हैं। तो ये ग्रुप ऑफ एटम्स के जरिए बना हुआ है, तो ये भी एक फंक्शनल ग्रुप हुआ आपका। तो ये जो फंक्शनल ग्रुप है इससे भी क्या हो रहा है, जैसे कि अगर मैं मान लूं HCHO जो कि मिथनल है, और फिर एक हम ले लेते हैं CH3CHO, ये हमारा इथनल है। तो यहाँ पे देखिए CHO फंक्शनल ग्रुप सेम है इस कंपाउंड का, इसका मतलब कि इन दोनों कंपाउंड का प्रॉपर्टी क्या है, सेम है। तो सेम फंक्शनल ग्रुप होने से सेम प्रॉपर्टी के बारे में जानकारी मिलता है और कंपाउंड का जो प्रॉपर्टी उसके बारे में हम डिसीजन लेने में समर्थ हो जाया करते हैं। सो फाइनली हमने एक पॉइंट पे कवर किया, तो वो पॉइंट हम लोगों का ये है कि अगर फंक्शनल ग्रुप सेम है, अगर फंक्शनल ग्रुप सेम है तो वो सेम केमिकल रिएक्शंस के बारे में बता रहा है, मतलब कि फंक्शनल ग्रुप अगर सेम है कंपाउंड्स का तो उनका जो प्रॉपर्टी होगा वो क्या होगा, सेम होगा, वो एक ही क्लास ऑफ कंपाउंड के अंदर आते हैं, जैसे कि अभी मैंने आपको कुछ एग्जांपल्स के मदद से समझाया। कुछ और एग्जांपल्स लेते हैं, जैसे एग्जांपल्स में हम लोग ले सकते हैं यहाँ पर देखिए यहाँ पर फंक्शनल ग्रुप क्या है, OH है, यहाँ पर भी फंक्शनल ग्रुप OH है, यहाँ पर भी फंक्शनल ग्रुप OH है। तो यहाँ पर ग्रुप ऑफ एटम्स है, तो फंक्शनल ग्रुप कौन सा है, हाइड्रोक्सी है, अल्कोहल का फंक्शनल ग्रुप है। इसका मतलब ये जो कंपाउंड है मेथनॉल, इथेनॉल, प्रोपेनॉल, इन तीनों का जो प्रॉपर्टी है वो क्या है, सेम है, तीनों का केमिकल प्रॉपर्टी सेम है और तीनों एक ही ग्रुप के अंदर आते हैं, अल्कोहल ग्रुप के अंदर आया करते हैं। उसी तरह से नेक्स्ट अगर हम बात करें, ये हैलोजन ग्रुप के अंदर आते हैं, हैलोजन में जिसमें क्लोरीन देख रहे हैं कि यहाँ पे सब जगह पे लगा हुआ है, हैलोजन एटम लगा हुआ है, तो यहाँ पर क्या है, कोई एक एटम है। तो देखिए यहाँ पे ध्यान देने वाली बात है कि जहां पर आपका फंक्शनल ग्रुप कैसे बनता है, एक एटम भी बन सकता है या कोई ग्रुप ऑफ एटम्स के जरिए भी बन सकता है। तो ग्रुप ऑफ एटम्स के जरिए तो मैंने बहुत सारे एग्जाम्पल्स आपको दिए, बट एक एटम्स, तो एक एटम से भी क्या बनाया जा सकता है, फंक्शनल ग्रुप बनाया जा सकता है। तो यहाँ पर Cl जो है ये फंक्शनल ग्रुप जैसे बिहेव कर रहा है जो कि हैलोजन के अंदर आया करता है ये। तो इन तीनों का जो प्रॉपर्टीज है इस कंपाउंड का, क्लोरोमीथेन का, क्लोरोइथेन का, क्लोरोप्रोपेन का, इन तीनों का जो प्रॉपर्टी है वो सेम है और ये एक ही ग्रुप के अंदर आते हैं, दैट इज वो हैलोजन के ग्रुप के अंदर आया करते हैं। कुछ और भी फंक्शनल ग्रुप के हम लोग एग्जाम्पल्स ले सकते हैं, जैसे यहाँ पर देख सकते हैं आप फंक्शनल ग्रुप के कुछ एग्जाम्पल्स हम लोग यहाँ पर ले सकते हैं। तो हाइड्रोकार्बन्स भी क्या होते हैं, फंक्शनल ग्रुप हुआ करते हैं। अभी हाइड्रोकार्बन्स क्या होते हैं, तो जिसमें सिर्फ और सिर्फ हाइड्रोजन और कार्बन हो, दो तरह के एटम्स होंगे, सिर्फ हाइड्रोजन और कार्बन, तो वो हाइड्रोकार्बन्स कहलाते हैं। तो यहाँ पर देखिए कि कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड है, यहाँ पर फिर कार्बन कार्बन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड है, तो ये भी फंक्शनल ग्रुप हुआ करते हैं। तो जिस कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड होगा
उसको हम एल्कीन बोला करेंगे और जिसका मॉलिकुलर फॉर्मूला ये हुआ करता है। उसी तरह से कार्बन कार्बन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड है तो उसको हम एल्काइन बोला करते हैं और इसकी मॉलिकुलर फॉर्मूला ये हुआ करती है। और जिसमें एक्स एक्स कहने का मतलब जिसमें फ्लोरीन है, क्लोरीन है, ब्रोमीन है, आयोडीन है, ये आपका हेलो एल्केन्स के अंदर आता है। कौन सा फंक्शन ग्रुप होगा? हेलो एल्केन्स के अंदर हुआ करेगा। और जिसके लास्ट में ओ एच हो इसको हाइड्रोक्सी ग्रुप बोलेंगे। तो ये कौन सा फंक्शन ग्रुप के बारे में बताएगा? कौन सा क्लास इसका होगा? एल्कोहल का। तो एल्कोहल का फंक्शन ग्रुप आपको याद रखना है कि OH हुआ करेगा और आप इसको लास्ट में लगाएंगे, ठीक है। उसी प्रकार से आप यहाँ पर देख लीजिए कि अगर मुझे एल्डिहाइड करना है तो एल्डिहाइड का जो फंक्शन ग्रुप होता है COOH ये हुआ करता है। और ये भी आपको क्या लगाना है? किसी ग्रुप के लास्ट में लगाना है। उसी तरह से कीटो, कीटो भी आपका एक तरह का ग्रुप है, एक तरह का क्लास है, जिसमें आपका फंक्शनल ग्रुप क्या होता है? CO हुआ करता है। ये कार्बन के साथ डबल बॉन्डेड के साथ ऑक्सीजन हुआ करती है। और बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पर ये है कि जब भी आप कीटो ग्रुप को रखिएगा हमेशा बीच में रखिएगा। जैसे देखिए यहाँ पे एग्जाम्पल आपको दिया हुआ है, तो यहाँ पर आप देखेंगे कि कीटो ग्रुप को हमेशा क्या दिखाया गया है? बीच में दिखाया गया है। बाकी आप इधर कुछ भी कार्बन को इंडिकेट कर सकते हैं। नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं कार्बोक्सिलिक एसिड्स के बारे में, तो कार्बोक्सिलिक एसिड्स का जो फंक्शनल ग्रुप होता है वो होता है COOH, ये हुआ करता है COOH, और इसे हमें लास्ट में लगाना होता है। तो यहाँ देखिए ये क्या किया गया है, ये लास्ट में लगाया गया है। जैसे एग्जांपल में आप यहाँ पर देख सकते हैं कि आपका यहाँ पर फंक्शनल ग्रुप क्या है? COOH है। तो ये किसका फंक्शनल ग्रुप है? कार्बोक्सिलिक एसिड्स का है। उसी तरह से इस्टर के बारे में अगर आपको पकड़ना है तो देखिए इस्टर का जो फंक्शनल ग्रुप होता है वो होता है COO, और ये कहाँ लगाना होता है? आपको बीच में लगाना होता है, यानी कि यहाँ पर, जैसे कि आप देख रहे हैं COO यहाँ पर आपको लाया गया है, और इधर कोई भी आपका कार्बन का संख्या हो सकता है, और यहाँ पे जो आप बीच में देख रहे हैं दैट इज ये आपका क्या होता है? इस्टर का फंक्शन ग्रुप जो है वो यहाँ पर ऐड करके दिखाया गया आपको। कुछ इस प्रकार से भी हम लोग समझ सकते हैं कि अगर कार्बन, कोई भी आपके पास कार्बन एलिमेंट है और कार्बन एलिमेंट ऑक्सीजन एटम के साथ कनेक्टेड है, तो अगर कार्बन और ऑक्सीजन एटम एक दूसरे से कनेक्टेड होंगे, तो जब भी कार्बन और ऑक्सीजन कनेक्टेड होंगे लेकिन सिंगल बॉन्ड से, बॉन्ड इन दोनों के बीच में कैसा होना चाहिए? सिंगल बॉन्ड होना चाहिए। तो कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में अगर सिंगल बॉन्ड है तो वो क्लासिफाई किस किस फॉर्म में होता है? एक तो एल्कोहल्स, एल्कोहल्स में क्लासिफाई किए जा सकते हैं, या तो फिर वो इथर्स के कैटेगरी में रखे जा सकते हैं, इथर्स के कैटेगरी में। तो अगर कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में सिंगल बॉन्ड है तो वो क्लासिफिकेशन अल्कोहल या इथर का करेगा। लेकिन एग्जैक्टली हम ये कैसे समझे कि वो अल्कोहल के कैटेगरी में है और इथर के कैटेगरी में है? तो एक्चुअली अल्कोहल है या इथर है ये एग्जैक्ट पकड़ने के लिए आपको ये चेक करना होगा कि अल्काइल ग्रुप ऑक्सीजन से कितना कनेक्टेड है, मतलब कितने सारे अल्काइल ग्रुप ऑक्सीजन से कनेक्टेड है। अल्काइल ग्रुप क्या होता है? देखिए जो अल्काइल ग्रुप है वो एक्चुअली कैपिटल आर से इंडिकेट किया जाता है, कैपिटल आर से। तो यहां पे जैसे कि आप देख रहे हैं कि यहां पर कैपिटल आर आपको दिखाई दे रहा है, यहां पर कैपिटल आर आपको दिखाई दे रहा है, यहां पर कैपिटल आर दिखाई दे रहा है, तो ये आपके अल्काइल ग्रुप्स कहे जाते हैं, इसको हम लोग अल्काइल ग्रुप्स बोला करते हैं। तो अल्काइल ग्रुप का फॉर्मेशन कैसे होता है? तो ये कोई एल्केन से, जैसे कि मान लीजिए कि मैं अगर ले लेता हूं इस तरह से, ये मैंने एक एल्केन ग्रुप जो है बनाया हुआ है, और इस एल्केन ग्रुप का एक एच मैंने क्या कर दिया? रिमूव कर दिया, तो कितना बच गया? इस कार्बन के साथ तीन हाइड्रोजन बच गए, तो ये जो बन गया ये मेरा अल्काइल ग्रुप कहलाता है, ये हमारा अल्काइल ग्रुप कहलाता है। तो एल्केन में से एक हाइड्रोजन
एटम को जब हम रिमूव करते हैं तो उसके बाद जो बचता है ग्रुप वो कहलाता है अल्काइल ग्रुप, और अल्काइल ग्रुप को हम लोग कैपिटल आर से इंडिकेट किया करते हैं। सो बहरहाल हम लोग ये इसमें डिस्कशन कर रहे हैं कि ऑक्सीजन से कितना अल्काइल ग्रुप, नंबर ऑफ अल्काइल ग्रुप कितना अटैच्ड है, उसके जरिए हम ये डिसाइड कर पाते हैं कि वो अल्कोहल है कि इथर है। तो अल्कोहल के लिए आपको मैं बता दूं कि इसमें अगर मान लीजिए कि एक हमारे पास अल्काइल ग्रुप है, मान लीजिए मैंने R बताया, और वो अल्काइल ग्रुप जो है, एक अल्काइल ग्रुप अगर वो ऑक्सीजन से अटैच्ड है, अगर वो ऑक्सीजन से अटैच है और एक हाइड्रोजन से अटैच है तो वो अल्कोहल कहलाएगा। मतलब कि देखिए, एक ऑक्सीजन से अटैच्ड है और हाइड्रोजन से अटैच है, तो एक अल्काइल ग्रुप अगर अटैच्ड है OH से तो वो क्या होगा, अल्कोहल के ग्रुप में आया करेगा। जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हैं, इसका जनरल फॉर्मूला आपका इस प्रकार से बनता है, क्योंकि यहाँ पर क्या हो रहा है कि एक अल्काइल ग्रुप OH से क्या है, कनेक्टेड है। तो ये आपका जनरल फॉर्मूला क्या होगा अल्कोहल का, इस प्रकार से बना करेगा। अगर हम बात करते हैं आप इथर्स के बारे में बात करते हैं, तो इथर को भी समझना बड़ा आसान हो जाता है। इथर में क्या होता है कि ऑक्सीजन जो होता है, ऑक्सीजन दो अल्काइल ग्रुप से अटैच्ड होता है, ऑक्सीजन दो अल्काइल ग्रुप से अटैच्ड हुआ करेगा। तो जहां पर दो अल्काइल ग्रुप हो और उसमें क्या हो, उस दो अल्काइल ग्रुप से ऑक्सीजन अगर कनेक्टेड है तो वो आपका इथर के कैटेगरी में आया करता है। जैसे मैं आपको कुछ एग्जांपल्स देके अभी बताऊं, तो यहां पर हम ले लेते हैं एक अल्काइल ग्रुप R और ये अटैच है आपके एक ऑक्सीजन एटम से और उसके बाद फिर अल्काइल ग्रुप। तो देखिए, एक ऑक्सीजन अल्काइल ग्रुप से कनेक्टेड है, तो यहाँ पे कितना अल्काइल ग्रुप है, दो अल्काइल ग्रुप है, इसको आप R डैश करके भी दिखा सकते हैं। तो यहाँ पर एक ऑक्सीजन दो अल्काइल ग्रुप से अटैच्ड है, तो हम कहेंगे कि ये किसका जनरल फॉर्मूला हुआ, तो ये आपका इथर का जनरल फॉर्मूला हुआ करता है। जैसे अब आप इसको पकड़ सकते हैं, जैसे अगर मैंने आपको ये बोला कि CH3 बॉन्ड O बॉन्ड CH3, अब बताइए इसमें कौन सा फंक्शनल ग्रुप है, तो इसमें ये जो है ये तो अल्काइल ग्रुप है, दैट इज R। यहां पर देखिए ये भी क्या है, अल्काइल ग्रुप है R, तो R R के बीच में क्या हुआ, एक ऑक्सीजन एटम कनेक्टेड है। तो अगर ऐसा होगा, इट मींस कि ये क्या है, इथर फंक्शनल ग्रुप है। इसका जो जनरल फॉर्मूला जो बता रहा है वो इथर का बता रहा है, तो इसमें कौन सा फंक्शनल ग्रुप हो गया, इथर हो गया। ठीक उसी प्रकार से और भी हम लोग समझ सकते हैं। अब इसमें हम लोग देखेंगे कार्बोनाइल ग्रुप के बारे में। तो कार्बोनाइल ग्रुप के विषय में अगर हम देखें, कैसे हम समझेंगे कि यहाँ पर कार्बोनाइल ग्रुप है मौजूद या नहीं है, ये हम कैसे जान पाएंगे। तो देखिए, कार्बोनाइल ग्रुप है या नहीं है, इसको पकड़ने का तरीका ये है कि अगर हमारे पास कार्बन है और ऑक्सीजन, तो कार्बन और ऑक्सीजन डबल बॉन्डेड से कनेक्टेड है। तो देखिए, कार्बन और ऑक्सीजन क्या है, डबल बॉन्ड से कनेक्टेड है, तो उसको हम कहते हैं कार्बोनाइल ग्रुप। तो ये जो है हमारा, ये एक्चुअली क्या है, कार्बोनाइल ग्रुप पकड़ने का तरीका है कि कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में डबल बॉन्ड होने चाहिए। ये सब मैं छोटे छोटे टर्म्स आपको इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि जैसे जैसे आप ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आगे बढ़ेंगे, आपको इन सब चीजों की काफी ज्यादा टर्म्स जो है वो यूज होंगे, तो आपको परेशानी ना हो समझने में, इसीलिए इसको आप यहाँ पर क्लियर ढंग से समझ लें इसकी बेसिक फंडामेंटल को। देखिए, यही जो कार्बोनाइल ग्रुप होता है, ये फर्दर डिवाइड होता है दो भागों में। इसी से आपका क्या होता है, एल्डिहाइड बनता है, एल्डिहाइड्स बना करता है, और इसी से आपका क्या बना करता है, कीटो ग्रुप भी बना करता है, मींस कीटोन्स भी बना करता है। तो कार्बोनाइल ग्रुप से ही एल्डिहाइड भी बनेगा और कीटोन्स भी बना करेगा। लेकिन अब कैसे ये डिसाइड करें कि ये एल्डिहाइड ग्रुप का है या कीटो ग्रुप का है, ये कौन सा फंक्शन ग्रुप का है, तो ये हम कैसे डिसाइड करेंगे। तो इसका भी जो डिसाइड करने का तरीका है वो ये चेक करना होगा कि अल्काइल ग्रुप कार्बोनाइल कार्बन से कितना अटैच्ड है,
कितना सारा अल्काइल ग्रुप कार्बोनाइल कार्बन से अटैच्ड है। अब इसी कार्बोनाइल ग्रुप से यानी कि कार्बन और ऑक्सीजन डबल बॉन्डेड से अगर वो कनेक्टेड है, ठीक है, तो अगर मान लीजिए कि इस कार्बोनाइल ग्रुप में अगर किसी भी तरह अल्काइल ग्रुप अटैच नहीं है, इसके साथ कोई क्या चीज का अटैचमेंट हो जाए, अगर इसके साथ अटैचमेंट हो जाए हाइड्रोक्सी ग्रुप का, OH ग्रुप का अगर इसके साथ अटैचमेंट हो जाए, तो ये क्या बना लिया करेगा, ये कार्बोक्सिलिक एसिड्स बना लिया करेगा। ये क्या बनाएगा, कार्बोक्सिलिक एसिड बना लिया करेगा। तो कार्बोक्सिलिक एसिड कब बनेगा, कार्बोनाइल ग्रुप में क्या लग जाए, OH लग जाए, और जब यही कार्बोनाइल ग्रुप में क्या लग जाए, अल्काइल ग्रुप लग जाएगा, तो क्या बना लिया करेगा, एल्डिहाइड या कीटोन बना लिया करेगा। अब देखिए यहां पर जिस तरह से हम लोग यहां पर देख सकते हैं कि एल्डिहाइड में आकर आप यहां पे थोड़ा देखें और कीटोन्स पे आकर यहां पर अगर हम लोग थोड़ा सा देखें, जैसे यहां पर देखिए ये हमने एल्डिहाइड लिया, तो देखिए यहां पर क्या है कि ये जो है CO ये तो हमारा कार्बोनाइल ग्रुप है, और इस कार्बोनाइल ग्रुप में देखिए यहां पर क्या है, एक अल्काइल ग्रुप अटैच किया हुआ है, तो क्या हो गया, एल्डिहाइड हो गया। और देखिए इसी कार्बोनाइल ग्रुप में अगर दो अल्काइल ग्रुप अटैच होगा तो क्या हो जाएगा, वो आपका कीटोन्स की कैटेगरी में आ जाया करेगा। उसी तरह से कार्बोक्सिलिक एसिड्स में देखिए यहां पर क्या है, ये तो आपका है कार्बोनाइल ग्रुप, कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में डबल बॉन्ड है, और ये कनेक्टेड किससे है, ये कनेक्टेड है हाइड्रोक्सी से। तो अगर हाइड्रोक्सी से कनेक्टेड हो जाएगा तो ये आपका क्या हो जाया करेगा, कार्बोक्सिलिक एसिड हो जाया करेगा, कार्बोक्सिलिक एसिड हो जाया करेगा। तो इस बात का आपको ध्यान रखना है। अब इसमें फंक्शनल ग्रुप एसिड हैलाइड का है या नहीं है, तो चलिए हम ये कैसे पता करेंगे, तो कोई भी कार्बोनाइल हमने ग्रुप लिया, जैसे यहां पर ये ले लिया, और ये अल्काइल ग्रुप से अटैच तो होना चाहिए, लेकिन इसके लास्ट में क्या होना चाहिए, हैलोजन एलिमेंट्स होने चाहिए। अगर हैलोजन एलिमेंट्स इसमें अटैच है तो ये क्या बनाया करता है, ये आपका बनाया करता है एसिड हैलाइड्स बनाया करते हैं। तो कार्बोनाइल ग्रुप का अटैचमेंट किसके साथ होना चाहिए, हैलोजन एलिमेंट के साथ होना चाहिए, तो वो एसिड हैलाइड्स बनाया करते हैं। अमाइड की अगर हम बात करें तो ये अमाइड के लिए क्या कंडीशन हुआ करता है कि कार्बोनाइल ग्रुप किससे अटैच हो जाए, NH2 से अटैच हो जाए, NH2 से, तो ये आपका बना लिया करेगा अमाइड्स, ये आपका अमाइड्स बना लिया करेगा। उसी तरह से और भी अगर मैं बात कर लूं कि अगर हमारे पास कोई एक अल्काइल ग्रुप है और यहाँ पे कार्बोनाइल ग्रुप है, फिर ये कार्बोनाइल ग्रुप किससे अटैच हो जाए, एक ऑक्सीजन से अटैच हो जाए, उसके बाद फिर ये ऑक्सीजन किससे कनेक्टेड हो जाए, कार्बोनाइल ग्रुप से अटैच हो जाया करेगा, और ये आपका फिर, तो अगर यहाँ पे देखिए ये कार्बोनाइल ग्रुप है, ये कार्बोनाइल ग्रुप है और ऑक्सीजन से कनेक्टेड हो गया ये दोनों बीच में, तो हम इसे क्या बोला करेंगे, अनहाइड्राइड्स बोला करेंगे, इसको हम बोलेंगे एनहाइड्राइड्स बोला करते हैं इसको हम लोग। ईस्टर के लिए, तो ईस्टर के लिए आप जैसे देख ही रहे हैं कि ये कार्बोनाइल ग्रुप एक ऑक्सीजन से कनेक्टेड है, तो ईस्टर के कैटेगरी में आ जाएगा, जैसे कि यहां पर आप देख रहे हैं। तो यहां पर देखिए कि ये कार्बोनाइल ग्रुप हुआ और इस कार्बोनाइल ग्रुप एक ऑक्सीजन से कनेक्टेड है, दैट इज नोन एज ईस्टर, और यही कार्बोनाइल ग्रुप एक ऑक्सीजन फिर कार्बोनाइल ग्रुप से अटैच हुआ तो क्या बनाएगा, अनहाइड्राइड्स बनाएगा। एक कार्बोनाइल ग्रुप अगर NH2 से अटैच है तो अमाइड्स बना लेगा, एक कार्बोनाइल ग्रुप अगर किसी हैलोजन एटम से अटैच है तो एसिड हैलाइड्स बना दिया करेगा। तो ये बात आपको ध्यान रखना है कि कार्बोनाइल ग्रुप में अल्काइल ग्रुप का अटैचमेंट हो रहा है कि हैलोजन एटम का हो रहा है या NH2 का हो रहा है या डबल कार्बोनाइल ग्रुप हो रहा है, तो इसे अलग अलग तरह के जो है वो आपके जो फंक्शनल ग्रुप है अलग अलग तरह से जब जुड़ते हैं तो वो क्या बना लिया करता है, अलग तरह के ग्रुप, एक अलग तरह का क्लासेस जो है वो बना लिया करते हैं।
अब उसी तरह से जैसे यहां पर भी देख सकते हैं अमाइन, अमाइन है या नहीं है आप ये कैसे डिसाइड करेंगे? तो अमाइन है या नहीं है ये डिसाइड करने के लिए कि अगर कार्बन और नाइट्रोजन, कार्बन और नाइट्रोजन ये दोनों के बीच में अगर सिंगल बॉन्ड है, कार्बन और नाइट्रोजन के बीच में क्या होना चाहिए, सिंगल बॉन्ड होना चाहिए, तो वो क्या ग्रुप रेडी करने वाला है, अमाइन ग्रुप रेडी करने वाला है। और वो अमाइंस जो होते हैं वो प्राइमरी हुआ करते हैं, सेकेंडरी हुआ करते हैं, टर्शरी हुआ करते हैं। तो प्राइमरी सेकेंडरी टर्शरी कैसे डिसाइड करेंगे कि उसमें कितना अल्काइल ग्रुप नाइट्रोजन से अटैच्ड है। अगर नाइट्रोजन से एक अल्काइल ग्रुप है तो प्राइमरी बोलेंगे, दो है तो सेकेंडरी बोलेंगे, तीन है तो टर्शरी, हम लोग इस तरह से बोला करते हैं। तो ये किसके लिए बनाया करेगा, ये हमारा अमाइन के लिए। तो कार्बन और नाइट्रोजन के बीच में कनेक्शन है सिंगल बॉन्ड के बीच में, तो क्या बनाएगा, अमाइन बनाया करेगा। उसी प्रकार से और भी अगर हम लोग देख ले कि कार्बन और नाइट्रोजन के बीच में, कार्बन और नाइट्रोजन के बीच में क्या हो, डबल बॉन्ड हो, कार्बन और नाइट्रोजन के बीच में अगर डबल बॉन्ड है तो ये क्या बनाएगा, ये आपका बनाएगा अमाइन्स, अमाइन्स बनाया करेगा। ये अमाइन है और ये अमाइन्स है, तो कार्बन और नाइट्रोजन के बीच में डबल बॉन्ड है तो अमाइन्स बनाया करेगा। उसी तरह से अगर मान लीजिए कि कार्बन और नाइट्रोजन के बीच में क्या हो जाए, ट्रिपल बॉन्ड हो जाए, कार्बन और नाइट्रोजन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड हो जाया करे, तो वो क्या बना लेगा, नाइट्राइल्स बना लिया करेगा, वो आपका नाइट्राइल्स बना लिया करेगा। अब हम लोग क्या करेंगे, ज्यादातर इसको प्रैक्टिस करना होगा। तो आप जो फंक्शनल ग्रुप का चार्ट दिया हुआ है, जो जनरल फॉर्मूला है और इसके क्या क्या फंक्शनल ग्रुप होते हैं, वो अच्छे से आप एक दो बार रिवाइज करके देखें तो आपको वो सारा चीज जो है वो समझ में आना शुरू हो जाएगा कि कौन सा फंक्शनल ग्रुप कैसे पकड़ना है। तो अभी मैं थोड़ा सा इसको एज अ क्वेश्चन के तौर पे रिवाइज कराता हूँ कि और हम लोग पकड़ेंगे कि इसमें कौन सा फंक्शनल ग्रुप है, किस क्लास का ये बिलोंग कर रहा है। तो चलिए कुछ इसी प्रकार के हम लोग कुछ एग्जाम्पल्स को स्टडी करते हैं। जैसे मान लीजिए कि मैं आपको देता हूं CH3 बॉन्ड, यहां पर CO हो गया, देन O, देन CH3। अब आपको ये बताना है कि इसमें फंक्शनल ग्रुप कौन है। तो आप ध्यान से देखिए कि यहां पे कार्बोनाइल ग्रुप है और ये एक ऑक्सीजन से कनेक्टेड है, बाकी यहां पर देखिए ये R है और ये R है। तो देखिए यहां पर आप ये पकड़ पाएंगे, पहले तो फंक्शनल ग्रुप हमने पकड़ लिया, क्या चीज, COO, यानी कि कार्बोनाइल ग्रुप के साथ एक ऑक्सीजन का अटैचमेंट है। तो ये किस क्लास के अंदर आएगा, कौन सा फंक्शन ग्रुप है इसमें, तो ये एक्चुअली बिलोंग करता है इस्टर से, बिलोंग क्या करेगा, ये किससे बिलोंग करेगा, इस्टर से। इसका मतलब ये क्या है, मेरा इस्टर है। उसी तरह से और भी एग्जांपल अगर मैं आपको देता हूं, अगर आपके पास ये है क्वेश्चन CH3 C डबल बॉन्ड O देन C डबल बॉन्ड O देन आपके पास आएगा CH3। तो अब देखिए यहां पर फंक्शनल ग्रुप कौन है आपका, तो फंक्शनल ग्रुप आप यहां से ये वाला हिस्सा देख पा रहे हैं कि ये आपका टोटल क्या है, फंक्शनल ग्रुप है यहां पर ये वाला, दैट इज कार्बोनाइल ग्रुप, फिर ऑक्सीजन के साथ अटैचमेंट, फिर कार्बोनाइल ग्रुप के साथ अटैचमेंट, देन यहां पर R है और यहां पर R है। तो ये जनरल फॉर्मूला किसका होता था, ये जनरल फॉर्मूला एक्चुअली किसका होगा, तो ये जो होगा ये आपका अनहाइड्राइड है, अनहाइड्राइड का जनरल फॉर्मूला इस प्रकार से होता है कि दो कार्बोनाइल ग्रुप के बीच में क्या होगा, ऑक्सीजन के बीच में कनेक्शन हुआ करेगा। नेक्स्ट और भी थोड़ा सा एग्जाम्पल हम लोग यहां पर देखते हैं, कुछ और भी तरह से इसको स्टडी अगर हम लोग करें। तो जैसे अगर मैं आपको कुछ एग्जाम्पल के तौर पे दे दूं इस प्रकार से, CH3 NH2। अब यहां पर देखिए कि ये एक्चुअली आप देख रहे हैं कि नाइट्रोजन, नाइट्रोजन आपको यहां पे दिखाई दे रहा है, नाइट्रोजन के साथ कॉम्बिनेशन आपको दिखाई दे रहा है,
तो जब भी नाइट्रोजन के साथ जो भी कंबाइन होंगे दैट इज नोन एज, वो किस ग्रुप के अंदर आते हैं, वो अमाइन के अंदर आया करते हैं, वो अमाइन के अंदर। तो इसका मतलब ये हमारा कहीं ना कहीं अमाइन है, ठीक है। तो ये कैसा है, आप देखिए कि ये जो NH2 है इससे एक अल्काइल ग्रुप अटैचमेंट है, मतलब कि R NH2 है, तो ये क्या होगा, हमारा प्राइमरी अमाइन हुआ करेगा। लेकिन यही वाला अगर मान लीजिए कि कुछ इस प्रकार से होता, H3C then NH then CH3, तो यहां पे देखिए ये जो आपका नाइट्रोजन है ये कितने अल्काइल ग्रुप से, एक तो यहां पर है और एक यहां पे अल्काइल ग्रुप है, तो दो अल्काइल ग्रुप से अगर अटैचमेंट होगा तो इसको हम क्या बोला करेंगे, सेकेंडरी अमाइन बोला करते हैं। उसी प्रकार से और भी चीजें हम ले सकते हैं, जैसे कुछ एग्जांपल के तौर पे यहां पे कर लेते हैं, H3C देन नाइट्रोजन देन CH3 देन CH3। तो देखिए ये जो नाइट्रोजन है, ये नाइट्रोजन एक यहां पे अल्काइल ग्रुप है, एक यहां पे अल्काइल ग्रुप है और एक यहां पे अल्काइल ग्रुप है, तो तीन अल्काइल ग्रुप से क्या है ये अटैच किया हुआ है, तीन अल्काइल ग्रुप से, तो ये क्या हो जाएगा, टर्शियरी अमाइन हुआ करेगा, इसको हम लोग टर्शियरी अमाइन बोला करते हैं। तो बहरहाल आपने ये समझ लिया होगा कि अमाइन के लिए क्या इंपॉर्टेंट है, कि नाइट्रोजन कंटेंट है या नहीं है, और उस नाइट्रोजन से कितने अल्काइल ग्रुप है, एक है दो है तीन है, उसके आधार पर हम प्राइमरी सेकेंडरी और टर्शियरी को क्या करते हैं, जज किया करते हैं। कुछ और एग्जांपल्स, अब जैसे मैं अगर कुछ इस तरह से बताऊं, H3C बॉन्डेड विथ कार्बन डबल बॉन्ड नाइट्रोजन देन CH3 से ये कनेक्टेड है देन ये H से कनेक्ट है। अब देखिए फंक्शनल ग्रुप यहां पर क्या है, फंक्शनल ग्रुप देखिए मैंने बताया था कि कार्बन और नाइट्रोजन के बीच में अगर डबल बॉन्ड है तो ये आपका एक फंक्शनल ग्रुप इंडिकेट कर रहा है, और ये किस ग्रुप के बारे में बता रहा है, तो ये आपको बता रहा है आई माइन के बारे में, आई माइन के बारे में ये आपको बता रहा है, ठीक है, क्योंकि कार्बन और नाइट्रोजन के बीच में डबल बॉन्ड है, तो ये अमाइन ग्रुप से बिलोंग कर रहा है एग्जाम्पल्स। उसी तरह से और भी देखा जाए, अगर सी एच थ्री है, कार्बन है, अब देखिए ये कार्बन कितने से नाइट्रोजन के साथ कनेक्टेड है, लेकिन ट्रिपल बॉन्ड से है, तो जब भी मैंने आपको बताया था कि कार्बन ट्रिपल बॉन्ड से कनेक्टेड होगा तो वो किसको इंडिकेट किया करेगा, वो इंडिकेट किया करेगा नाइट्राइल को, तो इसका मतलब ये नाइट्राइल है। नॉमेनक्लेचर हम लोग बाद में देखेंगे, बस अभी हम लोग ग्रुप यहां पर पकड़ना सीख रहे हैं। उसी प्रकार से अब देखिए कुछ एग्जाम्पल, जैसे सी एच थ्री है और यहां पर हमने क्या रख लिया, Na2 रख लिया। अब देखिए Na2 जो है वो अल्काइल ग्रुप से अटैच किया हुआ है, तो Na2 जब भी होता है तो वो नाइट्रो ग्रुप से बिलोंग करता है, किस ग्रुप से बिलोंग करेगा, नाइट्रो ग्रुप से बिलोंग क्या करेगा, तो ये नाइट्रो ग्रुप से आपका बिलोंग कर रहा है, नाइट्रो कंपाउंड है आपका। उसी प्रकार से और भी कुछ एग्जाम्पल्स देख सकते हैं, जैसे सी एच थ्री है देन यहां पर सी ओ है देन NH2 है। अब देखिए ये कार्बोनाइल ग्रुप में क्या जुड़ गया, NH2 जुड़ गया, तो ये क्या बना लेगा, अमाइड बना लिया करेगा, ये आपका अमाइड बना लिया करता है, तो ये अमाइड ग्रुप से आपका जो है वो बिलोंग कर रहा है। उसी प्रकार से कुछ और भी एग्जांपल्स हम लोग देख सकते हैं। अब ये आपको समझना है कि ये किस ग्रुप से बिलोंग कर रहा है और इसमें कौन सा फंक्शन ग्रुप जो है वो मौजूद है, सी एच थ्री सी डबल बॉन्ड ओ देन सी एल। देखिए यहाँ पे कार्बोनाइल ग्रुप है, इसको तो हम R में कन्वर्ट कर देंगे और ये इस प्रकार से यहाँ पर, और ये क्लोरीन जो एक्चुअली ये हेलोजन एटम है, तो हम यहाँ पे X रख दें, तो जनरल फॉर्मूला ये बन गया। और ये जनरल फॉर्मूला किसको इंडिकेट करता है, ये इंडिकेट करता है जब भी कार्बोनाइल ग्रुप किसी हेलोजन एटम से जुड़ा होगा तो वो आपका बनाया करेगा असाइल हैलाइड, असाइड हैलाइड बनाया करेगा वो। और अब इसको थोड़ा देखिए कि अगर आपके पास सी एच थ्री है और एस एच है, तो ये तो सिंपल है, किसी के लास्ट में अगर एस एच है तो फंक्शन ग्रुप तो ये आपका जो कि किस ग्रुप को इंडिकेट कर रहा है, थायोल को, थायोल को इंडिकेट किया कर रहा है।
उसी प्रकार से कुछ और एग्जांपल, जैसे अगर मैं लेता हूं CH3 SO2 देन OH। अब देखिए यहाँ पे फंक्शनल ग्रुप कौन हो गया, ये तो R में कन्वर्ट हो गया, SO2OH ये हमारा फंक्शनल ग्रुप हो गया। तो जनरल फॉर्मूला कुछ इस प्रकार से बन गया। तो ये आपका होता है सल्फोनिक एसिड, इसको हम क्या बोला करते हैं, सल्फोनिक एसिड बोला करते हैं, सल्फोनिक एसिड। तो सल्फोनिक एसिड में अगर S2O प्लस OH होगा तो ये समझ जाएंगे कि वो क्या है, सल्फोनिक एसिड हमारा आया करता है। तो अभी हम लोग थोड़ा यही समझ रहे थे कि जनरल फॉर्मूला के जरिए हम कैसे पकड़ पाएंगे कि वो किस फंक्शन ग्रुप से बिलोंग कर रहा है, क्या उसका ग्रुप है, क्या उसका क्लास है। तो अब इसको हम लोग थोड़ा प्रैक्टिस करेंगे थ्रू द क्वेश्चन, ताकि आपका और भी बेहतर ढंग से कॉन्सेप्ट क्या हो सके, ग्रिप हो सके, और आपको एक आइडिया पता चल जाए कि इसमें क्वेश्चन किस प्रकार से पूछे जा सकते हैं। तो मैं आपको अब कुछ क्वेश्चन इस पर करके दिखाता हूं। अब हम लोग फंक्शनल ग्रुप को काफी मजबूती से समझने के लिए इस पर ग्रास्प योर कॉन्सेप्ट हम लोग करेंगे, यानी इस पर कुछ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे ताकि आपका कॉन्सेप्ट काफी ज्यादा क्लियर हो सके। तो ये हमारा क्वेश्चन है, और इस क्वेश्चन में आपसे ये कहा जा रहा है कि आपको आइडेंटिफाई करना है कि फंक्शनल ग्रुप इसमें प्रेजेंट है, वो कौन सा फंक्शनल ग्रुप इसमें प्रेजेंट है आपको पकड़ना है। तो देखिए यहां पर फंक्शनल ग्रुप आपका कौन है, ये है OH वाला, जो कि अल्कोहल फंक्शनल ग्रुप है। तो ये हमारा इसमें क्या है, फंक्शनल ग्रुप है। यहां पे फंक्शनल ग्रुप कौन है, तो ये आपका Cl है, क्योंकि ये हैलोजन एटम है, ये फंक्शनल ग्रुप हुआ। यहां पे फंक्शनल ग्रुप कौन है, तो देखिए इसको थोड़ा समझने के लिए आपको कुछ इस ढंग से करना पड़ेगा, ये हाइड्रोकार्बन के अंदर आएगा। तो कार्बन और कार्बन, दो कार्बन हमारे पास है, और दो कार्बन के बीच में अगर हम ट्रिपल बॉन्ड लगा दें तो यहां पर एक एच होगा और यहां पर एक एच हुआ करेगा। तो ये एक्चुअली कौन सा फंक्शनल ग्रुप होगा, तो ये आपका जो फंक्शनल ग्रुप होगा अल्काइन होगा, अल्काइन ग्रुप का हो जाया करेगा हाइड्रोकार्बन्स के अंदर। यहां पे फंक्शनल ग्रुप क्या है, तो यहां पे जो फंक्शनल ग्रुप है वो है आपका COOH, COOH फंक्शनल ग्रुप आपका यहां पर मौजूद है, जो कि आपका कार्बोक्सिलिक एसिड को इंडिकेट किया करता है। अब इसमें हम लोग कुछ और भी क्वेश्चंस करते हैं। जैसे इस क्वेश्चन में हमारे पास कहा जा रहा है कि जो फंक्शनल ग्रुप है उस फंक्शनल ग्रुप को आप क्या कीजिए, एन सर्किल कर लीजिए और उस फंक्शनल ग्रुप का नाम भी बताइए। तो देखिए फर्स्ट वाले क्वेश्चन में यहां पे फंक्शनल ग्रुप एक तो यहां पर है आपका जो डबल बॉन्ड है एल्कीन, दूसरा फंक्शनल ग्रुप जो है यहां पर वो है आपका OH जो कि हाइड्रोक्सी ग्रुप है। तो इसमें दो जगह पर फंक्शनल ग्रुप आया हुआ है। अब इसमें देखिए इसमें फंक्शनल ग्रुप कहां पर है, इसमें फंक्शनल ग्रुप है यहां पर देखिए कार्बोनाइल ग्रुप है, और कार्बोनाइल ग्रुप एक ऑक्सीजन से क्या है, कनेक्टेड है, ये वाला हिस्सा। तो एक यहां पे फंक्शनल ग्रुप हुआ, दूसरा फंक्शनल ग्रुप है यहां पर। तो ये फंक्शनल ग्रुप जो है देखिए यहां पर ओ है, तो ये जो फंक्शनल ग्रुप है कार्बोनाइल ग्रुप अगर एक ऑक्सीजन से कनेक्टेड है तो ये कौन सा बिलोंग करता है, तो ये तो आपका बिलोंग करता है एस्टर से। और यहां पर आप देख रहे हैं कि आर ओ आर वाला सिस्टम लगा हुआ है, तो ये क्या है आपका यहां पर इंडिकेट कर रहा है इथर को। तो यहां पे दो फंक्शनल ग्रुप है एस्टर और इथर। यहां पे देखिए यहां पे कौन सा फंक्शनल ग्रुप है, तो यहां पे देखिए नाइट्रोजन कंटेंट है, नाइट्रोजन, तो ये आपका, और इसी नाइट्रोजन में देखिए कितने अल्काइल ग्रुप है, एक यहां पर है, दूसरा यहां पर है, तीसरा यहां पर है। तो इस नाइट्रोजन से अल्काइल ग्रुप का अटैचमेंट आपको दिखाई दे रहा है, और जहां पर आपका नाइट्रोजन ग्रुप अटैच होता था उसमें हम लोग क्या बोलते थे, अमाइन बोला करते थे, उसे हम लोग अमाइन बोला करते थे। और ये तीन अल्काइल ग्रुप से अटैचमेंट है इसलिए क्या होगा, टर्शियरी अमाइन हो जाया करेगा। यहां पर देखिए यहां पर क्या है,
तो ध्यान दीजिए सी एच ओ एक यहां पे फंक्शनल ग्रुप आपका अटैच किया हुआ है। दूसरा फंक्शनल ग्रुप अगर हम देखें तो यहां पे देखिए दो कार्बोनिल ग्रुप के बीच में एक ऑक्सीजन का अटैचमेंट है। तो कौन कौन से हैं, एक तो सी एच ओ क्या होता है एल्डिहाइड हुआ करता है, तो ये तो आपका एल्डिहाइड है, यहां पर एक एक आपका एल्डिहाइड है और दूसरा जो आपका है वो यहां पे देखिए दो कार्बोनाइल ग्रुप के बीच में एक ऑक्सीजन अगर जुड़ा होता है तो उसे हम लोग क्या बोलते थे एनहाइड्राइड, तो यहां पर एनहाइड्राइड है। तो इस प्रकार से आप ये पकड़ पाते हैं कि फंक्शनल ग्रुप कौन सा मौजूद है और कौन सा फंक्शनल ग्रुप है वो फंक्शनल ग्रुप है, यानी हम ये जजमेंट इस क्वेश्चन से कर रहे थे। तो इस प्रकार से जितने भी तमाम फंक्शनल ग्रुप हैं हमें वो एक बार देख लेना होगा। तो हाइड्रोकार्बन बेस पर फंक्शनल ग्रुप होते हैं जिसको हम लोग जनरली हाइड्रोकार्बाइल बोला करते हैं, जिसमें सिर्फ हाइड्रोजन और कार्बन ही हुआ करते हैं। तो ये सारे ऐसे आपके जो फंक्शनल ग्रुप है वो आया करते हैं। उसी प्रकार से फंक्शनल ग्रुप हुआ करते हैं जिसमें हेलोजन एटम कंटेंट हुआ करता है, तो ये तमाम आपके हेलोजन एटम कंटेंट है जिसमें, वैसे फंक्शनल ग्रुप आया करेंगे। उसी प्रकार से अगर हम देखें फंक्शनल ग्रुप और किसमें कंटेंट होता है, जैसे कि वैसा ग्रुप जिसमें ऑक्सीजन कंटेंट है वैसे वाले फंक्शनल ग्रुप, तो ये तमाम चीज़ें आपको यहाँ पर इस प्रकार से याद रखनी होंगी। एल्कोहल कीटोन वगैरह सारा ये सब चीज़ें जो हैं वो आया करती हैं। फ्री फंक्शनल ग्रुप यहाँ पर वही है, ऑक्सीजन बेसिस पर है। और फिर वैसे भी फंक्शनल ग्रुप होते हैं जिसमें नाइट्रोजन कंटेंट होता है, तो वो तमाम इस तरह से आपको फंक्शनल ग्रुप याद रखने हैं। तो ये वैसे फंक्शनल ग्रुप है जिसमें नाइट्रोजन क्या है कंटेंट है। अब वैसे फंक्शनल ग्रुप जिसमें सल्फर कंटेंट है, तो ये हमारा इस प्रकार से हुआ करता है। तो आपको ये तमाम फंक्शनल ग्रुप को क्या करने हैं, याद रखने हैं, एक बार देख लेने हैं, उसके बाद आपके सारे प्रॉब्लम्स दूर हो जाएंगे।